ट्रैप म्यूजिक स्टार्ट टू फिनिश की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पहले लेक्चर में हमने बात की थी ट्रैप म्यूजिक और इसके बैकग्राउंड के बारे में। नाउ आज का वीडियो इज ऑल अबाउट कि व्हाट इज अ मेट्रोनोम, बार क्या होता है, कौन कौन से टाइम सिग्नेचर्स यूज किए जाते हैं ट्रैप म्यूजिक के अंदर या हिप हॉप म्यूजिक के अंदर, एंड देन फाइनली हम जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन स्ट्रक्चर जो कि लोग यूज करते हैं, आई मीन द म्यूजिक प्रोड्यूसर्स। ये टर्म्स मे बी आप में से बहुत लोगों ने पहले सुनी हुई हो कि बार क्या होता है, मेट्रोनोम क्या होता है, पर जैसा कि मैंने सीरीज को नाम दिया है स्टार्ट टू फिनिश, तो जो लोग बिल्कुल नए हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर, जिनको नहीं पता कि मेट्रोनोम क्या होता है या बार क्या होता है या मेजर क्या होता है, तो उनके लिए इन टॉपिक्स को भी कवर करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाय एवरीवन, मेरा नाम है पंकज एंड आई एम इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोड्यूसर। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है सो थैंक यू सो मच एंड आई अश्योर यू यू वॉन्ट रिग्रेट। विद दैट लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करेंगे मेट्रोनोम के बारे में। नाउ मेट्रोनोम के बारे में हो सकता है पहले आपने सुना हो, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट लेट्स कवर इट। मेट्रोनोम होता है एक टिकिंग क्लॉक। जी हाँ, टिकिंग क्लॉक मतलब एक घड़ी मान लीजिए आप इसको, जिसके कुछ मेजर्स होते हैं। मेजर्स मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 नहीं साउंड आता किसी भी मेट्रोनोम से। वहाँ पर जो साउंड आता है वो किसी वुड का साउंड होगा या कस्टमाइज साउंड्स होते हैं, क्लिक के साउंड्स होते हैं, टिक के साउंड होते हैं। तो बेसिकली उनको हम यूज़ करते हैं मेजर्स के लिए। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वैसे ये हर DAW के अंदर अवेलेबल है। आपके पास कोई भी DAW होगा आप उसमें देखेंगे टॉप पर तो आपको मेट्रोनोम मिलता है, बट मैं आपको एबल्टन लाइव के अंदर एक छोटा सा डेमो देता हूँ कि व्हाट इज अ मेट्रोनोम। सो लेट्स हियर इट। मेट्रोनोम के बाद जो अगली चीज है जो समझने वाली है वो है बार। बार का मतलब होता है चार टिक के साउंड्स, या फिर अगर मैं साधारण सी भाषा में बताऊं तो जब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो जो ये 1 2 3 4 हैं, ये एवरी नंबर इज अ मेजर। हर नंबर एक मेजर है काउंट करने के लिए कि हम कितने जो हैं मेजर्स जाएंगे टू कंप्लीट दी बार्स। तो चार बार जब ये मेजर होता है उसका मतलब होता है वन बार, टिक 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 टिक। जब चार बार ये साउंड आता है टिक टिक का, सो चार बार का मतलब है वन बार। जब ये आठ बार बजेगा दैट मीन्स टू बार्स एंड सो ऑन। आप नोटिस करेंगे कि जो पहला साउंड होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लाउड होता है, टिक 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 टिक। ये इसलिए होता है ताकि आपको माइंड में ये फिट हो जाए कि जब 1 2 3 4 उसके बाद जब दोबारा से 1 आएगा तो उसकी जो बीट है वो पकड़नी होती है। तो इसीलिए पहला जो साउंड होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाया जाता है मे बी, या फिर उसको थोड़ा सा लाउड किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि 4 मेजर्स मतलब 1 बार। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो हमें समझनी है वो है BPM। BPM का मतलब होता है बीट्स पर मिनट। सिंपल, एक मिनट के अंदर कितने बीट्स आप प्ले करना चाहते हैं। सो जो आपके पास DAW है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको टेम्पो दिखता है, वहाँ पर BPM होता है। हर DAW का एक डिफ़ॉल्ट नंबर कुछ सेट होके आता है जब आप नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, पर यू कैन ऑलवेज मॉडिफाई दैट नंबर। नाउ किसी भी कैटेगरी के म्यूज़िक के अंदर जब आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, आप कोई सॉन्ग कंपोज करते हैं, तो उसका जो रेंज है वो अलग होता है। जैसे मैं अगर बात करूं हिप हॉप म्यूज़िक की, जैसे कि हम इस सीरीज़ के अंदर हैं, तो हिप हॉप म्यूज़िक का जो टेम्पो है वो जाता है 60 to 90 या 88, इस टेम्पो के बीच में रहता है। सो व्हेन आई से 60, अगर आप 60 अपने मेट्रोनोम को ऑन करेंगे एंड देन आप प्ले करेंगे उसको 60 BPM पर, तो साउंड जो है वो बहुत ही धीरे आपको लगेगा कि हाँ बहुत स्लो बीट बनेगी। मगर जब हम हाई हैट के जब रोल्स क्रिएट करते हैं सो दे आर एग्जैक्टली डबल द स्पीड। तो अगर मैं 60 BPM की बात कर रहा हूँ तो मेरे हाई हैट्स जो उनका रोलिंग पैटर्न्स बनेंगे वो बनेंगे 120 जो उसकी जो स्पीड होगी। ऐसे ही अगर मैं 70 BPM के अंदर कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ सो दैट विल बी 140। तो आप किसी भी BPM के ऊपर अपना जब जो सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं जस्ट रिमेंबर दैट कि इट इज एग्जैक्टली द डबल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया।
नाउ हिप हॉप म्यूजिक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइम स्टैम्प्स हम यूज़ करते हैं. नाउ व्हाई वी यूज टाइम स्टैम्प्स, टाइम स्टैम्प्स का मतलब ये होता है कि इट इज़ काइंड ऑफ ए रूलर. ये एक मेजरमेंट करने का तरीका है कि हम कितने बार्स यूज़ कर रहे हैं या हमारे सॉन्ग की ओवरऑल लेंथ क्या है एंड कहाँ पर कौन सा पोर्शन हमने फिट करना है. सो इट हेल्प्स इन दैट. ओके, सो हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर ली है कि मेजर्स क्या होते हैं, एक बार क्या होता है. सो हर कैटेगरी जो भी सॉन्ग की हमने डिस्कस की थी पहले वीडियो में, उसके टाइम स्टैम्प्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे बहुत ही जनरल टाइम स्टैम्प है हाउस म्यूजिक का, जो कि होता है 4x4, मतलब 4x4. इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, पर उससे पहले ये देखते हैं कि जो हिप हॉप म्यूजिक है, जो ट्रैप जिसके बारे में हम इस सीरीज के अंदर बात कर रहे हैं, उसके टाइम स्टैम्प्स कौन से होते हैं. सो इसके जो टाइम स्टैम्प्स हैं, बहुत ही कॉमन टाइम स्टैम्प जिनके मैं आपको नाम बताता हूँ, वो हैं 3x4, 5x8, 6x8, 7x8. अब इनका मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर इस समय डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं. वी रीड इट लाइक 3x4. जो ऊपर वाला नंबर है उसका मतलब है बीट्स, 3 बीट्स, और जो नीचे वाला नंबर है दैट मीन्स मेजर्स. सो 3 बीट्स 4 मेजर्स, मतलब, और जो 4 मेजर्स हैं हमारा एक बार भी बनता है. सो 3 बीट्स इन अ बार एंड सो ऑन. सो अगर मैं कह रहा हूँ कि 5x8, दैट मीन्स 5 बीट्स इन 2 बार्स या 8 मेजर्स. तो ये ऐसा क्यों बनाया गया है. अगर हम हाउस म्यूजिक की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो वो होता है 4x4, मतलब 4 बीट्स 4 मेजर्स या 1 बार, विच इज 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके, नाउ हिप हॉप म्यूजिक की जब आप बात करते हैं तो उसमें ये स्ट्रेट नहीं होता है. उसमें कैसे होता है, जैसे मैं थोड़ा, मुझे बीट बॉक्सिंग नहीं आती टू बी ऑनेस्ट, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ. सो जैसे मैं मेट्रोनोम के लिए अपनी ताली को यूज़ करूँगा, 1 2 3 4. अब जो हिप हॉप की बीट्स आपने सुनी होंगी वो सिंपल नहीं होती, वो ऐसी नहीं होती हैं टिक 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 टिक, ऐसी नहीं होती. वो कैसी होती हैं, तो होता क्या है कि एवरी ऑल्टरनेट मेजर पे एक किक आ रही है या एवरी ऑल्टरनेट मेजर पे एक स्नेयर आ रही है, तो वो जगह स्पेस छोड़ छोड़ कर जो है उनको, तो इसीलिए उसको हिप हॉप बोलते हैं. मतलब वो यहाँ से यहाँ जंप करती रहती है. इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट, दैट इज़ अ एक्चुअल मीनिंग ऑफ हिप हॉप. सो आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस कि क्या होता है. तो हमने शुरू किया था बार से, देन वी अंडरस्टूड कि मेट्रोनोम क्या है, एक मेजर क्या होता है, बार को कैसे हम रीड करते हैं, एंड देन उसके बाद हमने बात करी है टाइम स्टैम्प्स की. सो टाइम स्टैम्प मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी कि ये टाइम स्टैम्प्स होते हैं. अब इनमें से आप किस टाइम स्टैम्प के ऊपर अपना म्यूजिक कंपोज करना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू यू. हर आर्टिस्ट का अपना एक डिफरेंट तरीका होता है काम करने का. सो विच एवर वे यू वर्क, आई थिंक इट्स अप टू यू. एंड इन द लास्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैप म्यूजिक या हिप हॉप म्यूजिक. स्ट्रक्चर का कोई ऐसा रूल नहीं है. इट रियली डिपेंड्स कि आप किस प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे हैं या आप किस रैपर के साथ काम कर रहे हैं. बट आई विल गिव यू सम कॉमन फिगर्स या कॉमन पैटर्न्स जो कि आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं और पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ. सो सबसे पहले जब मैं इंट्रो लिखता हूँ या मैं अपना रैप सॉन्ग लिखना शुरू करता हूँ, सो आई मेक 4 बार्स ऑफ इंट्रो. नाउ 4 बार्स का मतलब क्या हुआ, 16 मेजर्स. एक बार के अंदर 4 मेजर्स होते हैं, राइट. सो 16 टाइम्स जब वो जो क्लिक का जो साउंड है या वो जो टिक का जो साउंड है, वो 16 टाइम्स जब तक वो प्ले हुआ, उतने टाइम के लिए मेरा इंट्रो होता है. ठीक है, कोई रूल नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू दी जनरल फिगर्स. उसके बाद हुक लाइन, हुक लाइन हो सकती है आपकी 8 बार्स की. ओके, सो 8 बार्स का मतलब क्या हुआ, 8 × 4 = 32, मतलब 32 मेजर्स के लिए आपकी हुक लाइन चलेगी, जो कि रिपीट होगी या आप इसके अंदर कोई वेरिएशन करना चाहते हैं. सो 32 टाइम्स जब वो क्लॉक का जो साउंड है वो टिक 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 बजेगा, उतने टाइम के लिए आप अपना हुक रिपीट करेंगे. नाउ कम्स टू वर्स. वर्स कैन बी ऑफ 12 बार्स या फिर 16 बार्स, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है या जो भी आप सॉन्ग लिख रहे हैं. एंड देन उसके बाद अगेन 8 बार्स का हुक. नाउ एक बार ये चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद आपको फाइनली उसको रिपीट ही करना होता है. आप उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर सकते हो, बट नॉर्मली दे रिपीट. एंड देन इंट्रो, नॉट इंट्रो, इंट्रो हमने ऑलरेडी बना लिया था. आउट्रो, आउट्रो मीन्स जब आप अपने सॉन्ग को फिनिशिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो हो सकता है आपका 8 बार्स का. नॉर्मली जितना आपका इंट्रो होता है उतना ही आप आउट्रो भी रखते हैं. सो दैट इज अगेन अ पर्सनल प्रेफरेंस. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर जिसको लोग यूज करते हैं, या अगर आप इससे डिफरेंट कुछ करना चाहते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया. नाउ इन एडिशन टू दिस, मैंने एक पहले एक वीडियो कंपोज किया था, आई थिंक 1 या 2 साल पहले. उसका लिंक मैं आपको कार्ड में दूंगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि सॉन्ग का स्ट्रक्चर क्या होता है. अभी अभी मैंने आपको जो बताया, दैट वॉज द मेजरमेंट, कि आप कितने बार्स का कौन सा सेक्शन रखना चाहते हो.
पर अगर आप बात करना चाहते हैं स्ट्रक्चर की, तो आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं कार्ट में जो मैंने अभी ऐड किया है, या फिर मैं आपको एक या दो कॉमन स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ अगर आप अभी भी जो है वो सोच रहे हैं कि किस स्ट्रक्चर के अंदर आपको अपना सॉन्ग जो है वो कंपोज करना है। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको नहीं पता कि किस स्ट्रक्चर के अंदर आपको शुरू करना है, तो आप मे बी यू कैन यूज़ दीज फॉर्मेट्स एंड दे आर ग्लोबली यूज्ड ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नए हैं, सो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो पहला जो एग्जाम्पल है, अगर आप अपना सॉन्ग लिख रहे हैं या कंपोज करना चाहते हैं, उसका हो सकता है यू ऑलवेज स्टार्ट विद इंट्रो, तो इंट्रो हर जगह आता ही है, राइट? देन यू कैन पुट वर्स वन, ओके, देन उसके बाद हुक, देन वर्स टू, देन हुक, एंड देन उसके बाद आउट्रो, ठीक है? तो ये चीज आप कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी इंट्रो अगेन, देन यू कैन एड हुक, और हुक के बाद यू कैन एड वर्स वन, देन यू कैन एड हुक अगेन, देन वर्स टू, एंड देन आउट्रो, या फिर आप बीच में ब्रिज यूज़ करना चाहते हैं वो दैट इज, बट दिस इज़ द आई थिंक वेरी बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर अगर आप अभी लिखना शुरू कर रहे हैं। सो आई होप दैट मेक्स सम सेंस एंड इट विल हेल्प यू टू स्टार्ट योर म्यूजिक जर्नी एटलीस्ट फ्रॉम नाउ। और म्यूज़िक प्रोडक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बट उसको अगर हम स्टेप बाई स्टेप समझें तो थिंग्स विल बी मोर ईजियर दैन दे लुक। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपने इसको एन्जॉय किया, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। एंड इफ़ यू आर स्टिल फॉलोइंग मी इन दिस सीरीज़, वैसे ये सीरीज़ का दूसरा ही वीडियो है, देर आर स्टिल 11 और 12 वीडियोज़ टू कम, सो थैंक यू सो मच। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस सीरीज़ को शुरू से लास्ट तक देखें। इफ़ यू थिंक कि आप इसको शेयर कर सकते हैं कहीं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सो प्लीज़ डू दैट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो इनफ प्रमोशन फॉर माई ऑन चैनल एंड माई ओन कंटेंट, थैंक यू सो मच फॉर बींग सच अ लवली ऑडियंस एंड पेशेंट। आई सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड बाय।